अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन हो गया। श्रीदेवी अपने परिवार के साथ एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए दुबई गई थी, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनका अचानक निधन हो गया। 54 साल की इस बेमिसाल अभिनेत्री को हिंदी फिल्मों की पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता है। श्रीदेवी ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयाली फिल्मों में भी काम किया। दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने के बाद श्रीदेवी ने साल 1979 में बतौर मुख्य कलाकारा फिल्म 16 साल से अपने हिंदी फिल्म के करियर की शुरुआत की। 90 के दशक में आई चांदनी, लम्हे, मिस्टर इंडिया, नगीना और कई फिल्मों में उन्हें भारतीय दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया। जितेंद्र और श्रीदेवी ने मिलकर एक के बाद एक सुपरहिट जैसी हिम्मत वाला तोहफा, जस्टिस चौधरी और मवाली जैसी फिल्में दी। एक लंबे ब्रेक के बाद 2012 में श्रीदेवी ने इंग्लिश विंग्लिश फिल्म के साथ बॉलीवुड में कमबैक किया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया था। साल 2013 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। साल 2017 में श्रीदेवी की फिल्म मॉम रिलीज हुई, जो उनके करियर की 300वीं फिल्म थी। श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया है। श्रीदेवी के निधन की खबर सुनते ही उनके घर के बाहर उनके प्रशंसकों की भीड़ जमा हो रही है। और इस खबर पर और बात करते हैं मुंबई से हमारी संवाददाता श्यामा से। श्यामा, बहुत ही दुखद खबर है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पूरा फिल्म जगत है जो शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि किसी को भी इस तरह की उम्मीद नहीं थी। जी मुकेश, दुखद के साथ साथ ये बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज भी है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है जब खबर आई रात में, देर रात में, कि उनका हार्ट अटैक आने से श्रीदेवी का निधन हो गया है। अब तक सब भी एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि उस रोल के लिए लोग रुके हुए थे कि ये खबर आती है कि दुबई में उनका निधन हो गया हुआ है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि बॉडी जो है उनकी जल्द से जल्द यहाँ मुंबई में लाई जाएगी, और बोनी कपूर जो है उनके हस्बैंड, वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बॉडी लाने की, प्रिपरेशन चालू है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, मुंबई की बात करें, उनके घर के बाहर फैंस की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी ट्रिब्यूट जो है, अपनी जो अदाकारा है उनको आके एक ट्रिब्यूट दे सके। और साथ ही अगर हम अभिनेत्रियों की बात करें, अभिनेताओं की बात करें, तो ट्विटर के जरिए सभी ने अपने शोक को प्रकट किया हुआ है कि ये दुखद, जो शॉकिंग, दुखद से ज्यादा शॉकिंग न्यूज है कि उनकी उम्र ही नहीं थी, 54 इयर्स की थी वो। और हम लास्ट जो हमने देखा मॉम में, उनकी बेहतरीन जो एक्टिंग थी उसके साथ साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और बहुत सारी पिक्चर्स श्रीदेवी करेंगी, और बहुत सारे हिट फिल्म श्रीदेवी करेंगी, ना सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स में बट मेन रोल में। जो ऐसे रोल्स थे जैसे हमने इंग्लिश विंग्लिश देखी, मॉम देखी, ऐसे रोल्स और करेंगी, लेकिन ये सफर उनका यहीं खत्म हो गया दिल के दौरा पड़ने से।